दोस्तों फिर से आ गया सेकंड फेसबुक के साथ, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत नर्वस हूँ। और फर्स्ट फेसबुक के वीडियो में मैंने आप लोगों से कुछ फीडबैक या फिर सजेशन मांगा था, आप लोगों ने वो किया, अभी भी उसमें फीडबैक मिल रहा है। उन सबको पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मैंने कहाँ पे गलती किया है, कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था। आप लोगों ने भी मुझे सजेस्ट किया कि ऐसा करो, हिंदी थोड़ा और सीखो, ऐसा कुछ। तो आई थिंक धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो मुझे। और उसी वीडियो में मैंने आज के सब्जेक्ट को लेकर भी बोला था कि आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ऑटोमेटिक मैसेज या फिर इंस्टेंट रिप्लाई को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, और इसको भी यूट्यूब पे टिप्स मान लो। अगर आपके सोशल मीडिया में ऐसा सर्विस एक्टिव होता है तो अगर आपसे कोई भी व्यूअर कुछ भी सवाल करता है तो आपके तरफ से उसके पास ऐसा एक मैसेज ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा, जिसको देखकर उसको भी लगेगा कि हाँ, आप एक लेवल का यूट्यूबर या फिर ब्लॉगर या फिर बिजनेसमैन हो। सो गाइस, अगर आप इनमें से कुछ भी हो तो मेरे ख्याल से आपको भी ये सर्विस एक्टिव कर लेना चाहिए। इसके मदद से मुझे तो काफी सारा व्यू या फिर सब्सक्राइबर मिला, वो कैसे वही मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन आप लोगों से एक छोटा सा सजेशन है, व्यूअर के साथ जितना हो सके रिलेशन बनाकर चलो। व्यूअर अगर आपसे कुछ भी सवाल करता है तो उसका जवाब दो, ऐसा नहीं कि उसने मैसेज किया आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। व्यूअर के साथ अगर आपका अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, अच्छा कोलैबोरेशन होगा, तो उसके साइड से भी आपको बहुत सारा व्यू या फिर सब्सक्राइबर मिलेगा। अगर आप किसी का हेल्प करते हो तो वो आपके चैनल के बारे में या फिर आपके वीडियो के बारे में दूसरों के साथ शेयर करेगा, इससे आपको उसके साइड से भी व्यू मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस प्रोसेस को एक्टिव कर दिया आपके चैनल में सब्सक्राइबर या फिर व्यू गेन करने लगेगा। मैं अपने व्यूअर को बहुत ज्यादा हेल्प करता हूँ, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, इसलिए अभी मुझे ज्यादातर व्यू या फिर सब्सक्राइबर अपने व्यूअर से ही मिलता है। सो गाइस, अभी बात करते हैं कि इसको कैसे एक्टिव करना है, कैसे यूज करना है और किसको यूज करना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो अगर पसंद आए तो एक वीडियो में एक लाइक कर देना, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वापस आना। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल की तरफ ही देखोगे तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों का लिंक मिल जाएगा। अब मेरे कुछ व्यूअर्स मुझे फेसबुक पे मैसेज करते हैं, कुछ व्यूअर्स मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ता है, दोनों सेपरेट ऐप या फिर वेबसाइट को ओपन करके सेपरेटली सभी का रिप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर हम चाहे तो इन दोनों को एक ही साथ अटैच करके एक ही ऐप्स के थ्रू या फिर एक ही वेबसाइट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम चाहे तो इसी के साथ व्हाट्सएप, जीमेल ये सबको भी अटैच करके वही एप्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैंडेटरी है एक फेसबुक पेज। और गाइस, यूट्यूब में पहले से ही इस टॉपिक को लेकर बहुत सारा वीडियो है, लेकिन सभी वीडियो का प्रोसेस थोड़ा अलग है। मतलब इंस्टाग्राम से ऑटोमेटिक मैसेज सेंड करने का प्रोसेस कुछ और, व्हाट्सएप से कुछ और, फेसबुक पेज से कुछ और। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी अभी बोला कि अगर हम चाहे तो इन सभी को एक ही एप्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, वही मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। तो जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो क्रोम ब्राउजर को मैंने ओपन कर लिया, अभी मैं एक टैब में ओपन करूंगा इंस्टाग्राम और दूसरे एक टैब में ओपन करूंगा फेसबुक। ओके, 6 मैसेज अभी मेरे पेंडिंग में है इंस्टाग्राम में। गाइस, मैसेज की तरफ एक बार हल्के से देख लेना, साथ ही साथ प्रोफाइल पिक्चर को भी एक बार देख लेना। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो वहां पे शो करता है, मतलब फेसबुक में शो करता है या नहीं। और यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट नाम का एक सेक्शन है, रिक्वेस्ट मतलब जो भी हमें बाय फॉरेन से मैसेज करते हैं उसका मैसेज रिक्वेस्ट में ऑटो डिटेक्ट होकर अटक जाता है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट, डिलीट या फिर ब्लॉक, ये तीनों हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को एक्टिव कर लेते हैं तो ये रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद अगर जो भी हमें मैसेज करेगा वो डायरेक्ट मेरे प्राइमरी सेक्शन में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं जाता हूँ फेसबुक की तरफ, यहाँ पे जाता हूँ पेज में, ये रहा मेरा डीआरसी ट्यूबर पेज। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक डीआरसी ट्यूबर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक और फॉलो कर लेना। उसके बाद यहाँ पे इनबॉक्स वाला एक सेक्शन है, ये थोड़ा स्लो चलता है। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो भी मैसेज मेरे पास आया अभी तक के लिए, ये सभी मैसेंजर का लोगो है, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और भी लोडिंग हो रहा है, और इसके बाद नीचे है यहाँ पे इंस्टाग्राम डायरेक्ट या फिर डिरेक्ट, और कमेंट एंड मोर वाला सेक्शन में यहाँ पे है फेसबुक। जब मतलब मैं जो भी पोस्ट करता हूँ फेसबुक पेज में उसका कमेंट यहाँ पे होगा, उसका वीडियो का कमेंट यहाँ पे होगा, और इंस्टाग्राम पे अगर कुछ भी मैं पोस्ट करता हूँ तो उसका कमेंट भी यहाँ पे अभी शो करेगा। लेकिन यहाँ पे अकाउंट कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे इंस्टाग्राम डायरेक्ट में अगर जाता हूँ तो यहाँ पे भी अकाउंट कनेक्ट नहीं है। इसको पहले कर लेता हूँ। ओके, तो इसको करना होगा कॉन्फर्म, कंटिन्यूअस डीआरसी ट्यूबर। ओके, ओटीपी जाएगा तो मुझे वीडियो को थोड़ा पॉज करना होगा क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, कन्फर्म। हो गया, ये थोड़ा सा लोडिंग होगा वेरीफाई होने के लिए, जस्ट कुछ सेकेंड। ओके, देख सकते हो इंस्टाग्राम कनेक्टेड, योर फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम आर नाउ कनेक्टेड। हो गया, अब मैं करता हूँ डन। अब देखो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का मैसेज शो करता है या नहीं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का मैसेज अभी शो करने लगा। ओके, और जो मैंने बोला था यहाँ पे रिक्वेस्ट में जो मैं नेम था, आप लोग देख सकते हो AMOAAZO1,
यहाँ पे आप लोग देखो डायरेक्टली वो शो कर रहा है, मतलब अभी मेरे पास कोई रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन ही नहीं होगा, जो भी मुझे मैसेज करेगा वो यहाँ पे शो करेगा। अब चलते ऑटोमेटिक मैसेज की तरफ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे है ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स, उसके बाद हमें करना होगा इंस्टेंट रिप्लाई, इसको करना होगा सिंपली एक्टिव। ओके, यहाँ पे है एडिट मैसेज, सो जैसे कि मेरा मैसेज ऑलरेडी रेडी था, मतलब मैं इस मैसेज को ऑलरेडी यूज करता हूँ, तो यहाँ पे इसी मैसेज रहेगा। आपको यहाँ पे जो भी मैसेज लिखना चाहते हो आप वहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप उस बिजनेस का वेबसाइट यहाँ पे डाल सकते हो, अगर आप अपना कोई व्हाट्सएप नंबर शेयर करना चाहते हो वो भी यहाँ पे डाल सकते हो, सभी अवेलेबल है, लेकिन किसी भी एक को डालना होगा, एक से ज्यादा नहीं लेगा ये। तो यहाँ पे मेरा मैसेज अभी एक्टिव है, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म को भी चूज करना होगा, कौन से प्लेटफॉर्म पे इसको एक्टिव करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे मैसेंजर और इंस्टाग्राम दोनों में एक्टिव करना चाहता हूँ। अभी मैं करता हूँ प्रीव्यू इन मैसेंजर, सो आप लोग देख सकते हो अगर कोई भी हमें मैसेज करता है तो मेरे तरफ से उसके पास बाई ऑटोमेटिक ऐसे मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा। मैं अभी फिर से ट्राई करके देखता हूँ, शायद होगा या नहीं मुझे पता नहीं। आप लोगों ने देखा मैंने यहाँ पे डॉट करके सेंड किया, तो फिर से मेरे पास मतलब जो भी मैसेज करेगा उसके पास ऐसे मैसेज चले जाएगा। सो गाइस, आप लोगों ने देखा ये कितना छोटा सा प्रोसेस है, अगर कोई भी हमें अभी मैसेज करता है हमारे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक हैंडल में, तो हमारे तरफ से उसके पास तुरंत ऐसा एक ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। अब व्हाट्सएप को भी थोड़ा देख लेता हूँ, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं डीआर सिटी ऊबर में फिर से, उसके बाद नीचे जाना होगा सेटिंग पे, यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखो ऑप्शन है व्हाट्सएप, तो यहाँ पे आप सिंपली आपको अपना जो व्हाट्सएप नंबर है उसको अटैच करना है, उसी नंबर को अटैच करना जिसमें व्हाट्सएप एक्टिव है, तो वो ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा, सेंड कोड आएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, मेक इट इजियर फॉर पीपल टू सेंड मैसेज, शो पीपल योर नंबर, क्रिएट व्हाट्सएप एड्स टू प्लेस ऑन फेसबुक, मतलब यहाँ से ही हम व्हाट्सएप का एड्स या फिर व्हाट्सएप में अगर कोई एड्स रन करना चाहते तो वो यहाँ पे शो करने लगेगा, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल में भी वो शो करेगा। सो गाइस, फाइनली आप लोगों ने देखा कि ये कितना छोटा सा प्रोसेस है, हाईएस्ट 5 सेकंड का काम है। इसको एक्टिव करने के बाद मेरे चैनल का जो लुक है या फिर मेरा जो सोशल मीडिया का लुक है वो थोड़ा चेंज हो गया, देखने में कुछ अट्रैक्टिव लगता है अभी, और अभी इसके मदद से अगर मैं अपने कोई पोस्ट इंस्टाग्राम पे करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक मेरे फेसबुक में आ जाता है, या फिर अगर मैं कोई फेसबुक में पोस्ट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट हो जाता है, मतलब अभी मैं एक ही ऐप्स के थ्रू दोनों को कंट्रोल कर सकता हूँ, और अगर मैं व्हाट्सएप को यूज करता हूँ तो उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में एक लाइक कर देना, पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, कुछ भी सवाल करना है कमेंट कर देना, 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। सो गाइस, फाइनली वीडियो इतना तक था, बहुत जल्द मिलता हो कैसे यूट्यूब का अकाउंट क्रिएट करते 2020 में, मतलब हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब अकाउंट ऑन 2021। ये बहुत पुराना प्रोसेस है लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि यूट्यूब का कुछ नया रूल्स और रेगुलेशन एक्टिव हुआ है जिसके वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। तो मैं जैसे कि बोला आप लोगों को कि YouTube के टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज लेकर ही उसको अपलोड करूँ। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो होगा उस टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।